नवी मुंबई मनपा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी और शिवसेना नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ताजा मामला नवी मुंबई के बीजेपी चीफ रामचंद्र घरत से जुड़ा है। एक इंटरव्यू के दौरान रामचंद्र घरत ने मतदाताओं को आगाह किया कि शिवसेना एक गंदी पार्टी है, इसलिए इसे वोट नहीं देना। घरत का दावा है कि शिवसेना में अंदर खाने भयंकर गुटबाजी है और यदि मनपा में इसकी सत्ता आती है तो नवी मुंबई बर्बाद हो जाएगी। बीजेपी जिला अध्यक्ष के इस बयान के बाद नवी मुंबई की राजनीति गर्मा गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत के एक बयान ने शिवसेना की बौखलाहट बढ़ा दी है। टीवी वन इंडिया को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रामचंद्र घरत ने शिवसेना को एक गंदी पार्टी बताया और मतदाताओं को आगाह किया कि ऐसी गंदी पार्टी को कभी वोट मत देना, वरना नवी मुंबई बर्बाद हो जाएगी। घरत ने दावा किया कि बीते विधानसभा चुनाव में साथ रहकर काम करने से जो पता चला है कि शिवसेना में अंदर खाने भयंकर गुटबाजी है। इसके नेता सिर्फ दूसरों का घर तोड़कर अपना घर भरना चाहते हैं, इसलिए ऐसी पार्टी को जिताकर नवी मुंबई का नुकसान होने वाला है। आइए सुनाते हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत का वो बयान। ज्यादातर पैमाने पे शिवसेना में गड़बाजी है, इतनी गंदी गड़बाजी है। मैंने उनको युद्ध के टाइम नजदीक से देखा है, इतनी गंदी गड़बाजी है। ये गड़बाजी होने की वजह से ये लोग कभी भी सत्ता पे अगर आते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नवी मुंबई के लिए। अच्छा। और इसके लिए नवी मुंबई की जनता को मैं दरख्वास्त करूंगा, ये गंदे लोगों को आप कभी भी चुन के मत दे दो, क्योंकि गंदी राजनीति खेलने वाले लोग आपस में इतनी गंदी राजनीति खेल रहे हैं। हम इतने सालों से उनके साथ में है, निबम में उनके साथ में है इतने सालों से, कि बहुत बड़ी गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। तो इसके लिए आने वाले टाइम में शिवसेना को वोट मत दो, मैं ऐसा आपको अपील करूंगा, क्योंकि ये गंदी राजनीति वाले लोग हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि लोग शिवसेना को टालेंगे, कांग्रेस को टालेंगे और राष्ट्रवादी को तो खड़ा भी नहीं करेंगे। और इसी हालत में भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार जरूर बनेगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष के इस बयान के बाद शिवसेना नाराज हो गई है। इससे पहले भी नवी मुंबई बीजेपी चीफ ने महाविकास आघाड़ी नेताओं पर हमला बोला था। उनका कहना था कि जब तक आघाड़ी के नेता गणेश नाइक का नाम नहीं लेते, उनका भाषण पूरा नहीं होता। इन दोनों बयानों पर पलटवार करते हुए शिवसेना उपनेता विजय नाहटा और विट्ठल मोरे ने कहा कि बीजेपी जिलाध्यक्ष को याद रखना चाहिए कि शिवसेना जमीन से जुड़कर काम करने वाली पार्टी है और गणेश नाइक के बारे में जितनी गंदी टिप्पणी उन्होंने की है वैसी किसी ने नहीं की। विजय नाहटा ने कहा कि बीजेपी चाहे लाख कोशिश कर ले, मनपा में शिवसेना की ही सत्ता आकर रहेगी। रामचंद्र घरत हमारे अच्छे मित्र हैं, समझदार आदमी है। उन्होंने गणेश नाइक पे इसके पहले जो क्रिटिसिज्म किया, जो टीका की, जो गंदी बातें कही है, मुझे नहीं लगता नवी मुंबई में किसी ने की होंगी। तो ये कहने का उनको अधिकार नहीं, क्योंकि वो बहुत गलत बात गणेश नाइक साहब के बारे में बोलते थे। अच्छा। रामचंद्र घरत आज नहीं बोलते, प्राइवेट में उनको पूछिए वो क्या बोलते आप देखिए। आपको पता है कि सब लोग इनको मिस्टर 5% के नाम से पहचानते हैं, तो वो लोग क्यों बोलते हैं? हम नहीं बोलते, पूरा शहर बोलता है कि मिस्टर 5%। आप किसी से भी पूछिए ना। तो ये जो गंदा काम हुआ है उसके लिए नाम लेना बहुत जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।